चलो आज हम शुरुआत करते हैं एल्कीन से कि एल्कीन्स को बनाने के मेथड कौन कौन से होंगे। एल्कीन्स, क्या कोई बच्चा बताएगा एल्कीन को किस और नाम से भी पहचाना जाता है, किस और नाम से पहचाना जाता है? ओके हार्दिक, आप दोबारा से ज्वाइन कर लो, मैं ऐड कर दूंगा। बिल्कुल सही प्रभु, और प्रांजल भी बिल्कुल सही, कौशल का जवाब भी सही, मनस्वी का जवाब भी बिल्कुल ठीक है, शाबाश। एल्कीन को हम एक और नाम, इन्हें हम ओलिफेन्स के नाम से पहचानते हैं। ओलिफेन्स इनको कहा जाता है। तो अब अपने स्कूल लेवल एग्जाम का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लो, व्हाई एल्कीन आर कॉल्ड एज ओलिफेन, इन्हें ओलिफेन क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन आता है। तो जवाब भी बहुत सिंपल सा, बिकॉज दे फॉर्म ऑयल लाइक कंपाउंड विद Cl2 एंड Br2। जब इनकी रिएक्शन क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ होती है तो कुछ ऐसे कंपाउंड बनते हैं जो ऑयली लुक देते हैं, ऑयली टेक्सचर देते हैं, इस वजह से हम इनको ओलिफिन्स के नाम से पहचानते हैं, ओलिफिन इनको नाम दिया जाता है। तो ये पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। जैसे एल्केन्स को पैराफीन कहते हैं, क्यों कहते हैं, वो एक नंबर का क्वेश्चन आता है। ऐसे ही एल्कीन को ओलिफिन क्यों कहते हैं, ये एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब इन्हें किस तरह से बनाया जाता है, पहला है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अब देखो ये रिएक्शन आप खुद से बता सकते हो क्योंकि आप इसको पहले पढ़ चुके हो। जरा यहां पर रिएक्टेंट को देखो और जल्दी से मुझे बता दो प्रोडक्ट क्या होगा, जिंक इन मिथाइल एल्कोहल। अब देखो जरा ध्यान से कैसे करेंगे इस रिएक्शन को, कैसे बनाएंगे, जिंक इन मिथाइल एल्कोहल। प्रभु का जवाब ठीक है, कौशल का भी ठीक है। जिंक का फंक्शन क्या होता है, जिंक का फंक्शन ये होता है कि जिंक दो क्लोरीन को बाहर निकालता है। प्रांजल का जवाब भी बिल्कुल ठीक है और ये हमने पहले पढ़ा ही था, जिंक दो क्लोरीन को बाहर निकालता है। तो क्या होगा, जिंक और दो क्लोरीन ZnCl2 बाहर जाएगा और जहां से बॉन्ड टूटा, यानी ये क्लोरीन जो इनका बॉन्ड टूटा है, जहां से बॉन्ड टूटेगा वहीं पर बॉन्ड बनेगा CH2CH2, ये हमारे पास एल्कीन यहां पर बनता है। तो अगर आपके पास डाई हैलाइड है, डाई हैलाइड मतलब दो हैलोजन, अगर एक ही कंपाउंड में दो हैलोजन हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखें आप जिंक की मदद से इस कंपाउंड को बना सकते हैं। एक बार ध्यान रखना, वर्ड्स रिएक्शन में एल्कीन और एल्काइन कभी भी नहीं बनता, एल्कीन और एल्काइन हमेशा जिंक वाली रिएक्शन से ही आप बनाएंगे। इस तरह से आप एल्कीन को यहां पर बना सकते हो। अब ऐसे देखो, अब यहीं पर साइमल्टेनियसली आप एल्काइन भी बना सकते हो। अब जरा इस बात को देखो, मैंने ये कंपाउंड दिया और कहा जिंक इन मिथाइल एल्कोहल एक्सेस। एक्सेस का मतलब ये है आप जितना चाहें रिएजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक जिंक, आप दो जिंक, तीन जिंक, चार जिंक, जितने चाहें जिंक एटम का इस्तेमाल यहां पर करना चाहें आप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। अब ये कंपाउंड आपको दिया गया और आपको बताना है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, प्रभु का जवाब बिल्कुल ठीक है। अब आपको मैंने बताया है हर एक जिंक दो क्लोरीन बाहर निकालता है, हर एक जिंक दो क्लोरीन बाहर निकालता है, तो यहां पर तो चार क्लोरीन है, तो चार क्लोरीन है तो टोटल दो जिंक मान लेंगे अपने आप ही। एक जिंक दो क्लोरीन बाहर निकालेगा तो क्लोरीन क्लोरीन जाएगा, एक पाई बॉन्ड बनेगा, दूसरा जिंक क्लोरीन बाहर निकालेगा, यहां पाई बॉन्ड बनेगा और इस तरह से एल्कीन हमारे पास यहाँ पर फॉर्म होगा, एल्कीन बनेगा। देखो आप में से बहुत सारे बच्चे पिछले हफ्ते में क्लास अटेंड नहीं कर पाए क्योंकि नेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम थी,
नेट अब स्टार्ट हो चुका है, तो ध्यान रखो पिछले हफ्ते में हाइड्रोकार्बन्स की जो क्लासेस हुई हैं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि जो बच्चा आज ही इस क्लास में आ रहा है, पिछली क्लास उसने नहीं देखी, तो हाइड्रोकार्बन उसको मुश्किल लगेगा ही लगेगा। तो हाइड्रोकार्बन के दो लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आज आपके पास लिंक भी सेंड कर दिए गए थे कि लाइव क्लासेस के दो लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, दो लेक्चर और हैं, एक मैं आज अपलोड कर दूंगा एक सुबह को, यानी चार लेक्चर जो अभी तक हुए थे वो आपके अपलोडेड हो जाएंगे। तो जिन बच्चों के पास पिछले हफ्ते में नेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम रही है वो उन चार लेक्चर को फटाफट से देख लेंगे, यानी 1.5 स्पीड पे स्पीड बढ़ा के देख लेना उसको, क्योंकि पिछली चीज अगर याद हो जाएगी तो आज की चीज भी अच्छे से हो जाएगी और आगे आने वाले दिनों में इस चैप्टर को हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो यहां इस रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल में से क्या बाहर जा रहा है, एक मॉलिक्यूल में से दो हैलोजन एटम बाहर जा रहे हैं, अगर दो हैलोजन एटम बाहर जाते हैं तो रिएक्शन का नाम क्या होगा, डीहैलोजिनेशन, इसे डीहैलोजिनेशन नाम दिया जाएगा। आपको रिएक्शन के साथ साथ उनके ये स्पेशल नाम भी याद रखने हैं, तो डीहैलोजिनेशन रिमूवल ऑफ टू हैलोजन एटम और Cl2, आप इस तरह से इसको बोल सकते हो। नेक्स्ट रिएक्शन है जिसको अब आप पढ़ोगे उसे कहते हैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। अब देखो रिएक्शन के नाम में ही उसका मीनिंग छुपा है, डी स्टैंड्स फॉर रिमूवल, डी का मतलब रिमूवल, हाइड्रो हाइड्रोजन, हैलोजन यानी एक मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन और हैलोजन का बाहर जाना, इसे डीहाइड्रोहैलोजिनेशन कहा जाता है। ये दो तरह से किया जाता है, एक होता है बाय फॉलोइंग सिट्ज़ेफ्स रूल, सिट्ज़ेफ्स रूल के इस्तेमाल से, सिट्ज़ेफ्स रूल का एक और नाम है, इसे ज़ेट्सव रूल के नाम से भी पहचाना जाता है। तो एक तो इसको सिट्ज़ेफ्स रूल से करते हैं और एक और रूल आता है जिसे हॉफमैन्स रूल के नाम से पहचाना जाता है। पहले जरा इस सिट्ज़ेफ्स रूल को जरा ध्यान से समझो। देखो इस रिएक्शन में लेट मैंने अल्काइल हैलाइड लिया, अल्काइल हैलाइड का मीनिंग बताया था ना, अल्काइल ग्रुप मिथाइल इथाइल प्रोपाइल एंड हैलोजन, जब अल्काइल ग्रुप और हैलोजन हो अल्काइल हैलाइड, इसकी रिएक्शन KOH एल्कोहलिक के साथ, आप KOH एल्कोहलिक कह सकते हो या NaOH एल्कोहलिक भी आप इसको कह सकते हो, KOH एल्कोहलिक एंड NaOH एल्कोहलिक दोनों में से कोई भी इस्तेमाल करें। जो काम जनरली पोटेशियम का होता है वो काम सोडियम का भी होता है, तो एल्कोहलिक KOH और एल्कोहलिक NaOH। अब ये रिएक्शन कैसे होगी जरा समझ, हार्दिक जो आपने क्वेश्चन पूछा है वो अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो उसके लिए बेटर है, स्कूल लेवल के लिए आपको वो करने की जरूरत नहीं है। अब देखो एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH का फंक्शन समझना, ये क्या करता है, यहां से पोटेशियम और यहां से क्लोरीन, पोटेशियम और क्लोरीन, यानी KCl बाहर जाएगा, KCl बाहर जाएगा, ये तो हर बच्चे को समझ में आ जाएगा, चाहे किसी बच्चे ने पहले इस रिएक्शन को किया नहीं किया लेकिन अब उसको समझ में आएगा, KCl बाहर जाएगा और साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन, मेरी बात को ध्यान से सुनना, KCl गया और जहां से हैलोजन गया है ना इसके साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन और यहां से OH, साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन और यहां से OH, तो क्या बाहर जाएगा, H2O, H2O बाहर जाएगा। तो अब KCl बाहर गया, H2O बाहर गया, क्योंकि यहां से हाइड्रोजन और हैलोजन बाहर गया, मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन और हैलोजन बाहर गया, तो रिएक्शन को डीहाइड्रोहैलोजिनेशन कहेंगे, मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन हैलोजन रिमूव हुआ। अब हाइड्रोजन हैलोजन गया तो वैलेंसी को पूरा करने के लिए यहां पे
पाई बॉन्ड बनेगा CH2CH2, ये एल्कीन आपके पास फॉर्म होगा, ये एल्कीन यहां पर बनेगा, इसको ध्यान रखना। अब जरा आप इस रिएक्शन को एक बार अपने हिसाब से बना के देखो, साइड प्रोडक्ट भी बनाओ, देखो क्या बनता है। उत्सव ये देखो बेटा, ये मैंने बस इतना करवाया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये जो ऊपर है, फटाफट जल्दी से, ताकि मैं सभी बच्चों को रिएक्शन दिखा दूं, ठीक है? चलो जल्दी से। अब देखो ये रिएक्शन मैंने आपको करने को कहा है। प्रांजल अभी हाइड्रोजन, अभी मैंने जितना बताया ना वही ध्यान रखो, साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा, साथ वाले कार्बन से एडजेसेंट, बिल्कुल इमीडिएट नेक्स्ट अड़ोसी पड़ोसी वाला कार्बन, साथ वाला कार्बन देखो, अब एक ही साथ वाला है, एक तो साथ के साथ वाला है। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही प्रभु कौशल, बिल्कुल ठीक जा रहे हो। अब देखो यहां पर मैंने पोटेशियम की जगह सोडियम दिया, तो मैंने कहा ना रिएक्शन इनकी सेम होगी, यहां से सोडियम और यहां से क्लोरीन, NaCl बाहर जाएगा, तो पहले आपने बाहर NaCl लिख दिया, और फिर मैंने क्या कहा साथ वाले से, प्रांजल ठीक है, नम्या करेक्ट, मनस्वी करेक्ट, अब साथ वाले से हाइड्रोजन, अब जिस पे हैलोजन है उसका साथ वाला, लेफ्ट में भी हो सकता है राइट में भी हो सकता है, भावना ठीक जवाब है, भावना नाम गलत लिखा हुआ है बेटा, नाम इसको जरा नाम चेक करो, अब लेफ्ट में भी साथ वाला हो सकता है और राइट में भी हो सकता है, लेकिन यहां तो साथ वाला एक ही है, तो यहां से हाइड्रोजन और यहां से OH, यानी H2O बाहर जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन और हैलोजन बाहर गया, तो जहां से बॉन्ड टूटते हैं वहां वैलेंसी पूरी करने के लिए पाई बॉन्ड बनेगा, प्रोपीन कह सकते हो, प्रॉप वन इन भी कह सकते हो, लेकिन वन नंबर को बेशक से इग्नोर करो, प्रोपीन ये आपके पास कंपाउंड यहां पर बनता है। लेकिन हमारे लिए प्रॉब्लम जब आती है, तो प्रॉब्लम तब आती है जब नेबर में दो एटम होते हैं, जैसे देखो ये कंपाउंड है, यहां इस कंपाउंड में अगर मैंने आपसे कहा भाई KOH एल्कोहलिक, बताओ क्या रिएक्शन होगी, अब यहां हमें बताना है, तो अब मेरी पहले बात को समझ लेना फिर आप जवाब देना। तो देखो शुरुआत वैसे ही करोगे जैसे ऊपर आपने की, यहां से पोटेशियम और यहां से क्लोरीन, हमेशा ही पोटेशियम और क्लोरीन, तो बाहर चला गया KCl, अब पता है ना साइड प्रोडक्ट को आप राइट हैंड साइड में भी लिख सकते हो या एरो के नीचे माइनस करके भी लिख सकते हो, तो पोटेशियम और क्लोरीन बाहर चला गया। अब इस कार्बन का नेबर ये भी है और ये भी है, इस कार्बन का नेबर CH2 भी है, इस कार्बन का नेबर CH3 भी है, दोनों नेबर हैं प्रभु नम्या, बिल्कुल सही जवाब है, इस कार्बन का नेबर ये भी है और इस कार्बन का नेबर ये भी है, अब कहां से हाइड्रोजन जाएगा, CH2 से जाएगा या CH3 से, इस बात को बताया सिडजेफ रूल ने, अभी ऊपर कहा था ना मैंने बाय फॉलोइंग द सिडजेफ रूल, अब सिडजेफ रूल क्या होता है शॉर्ट में इस बात को समझ लो, सिडजेफ रूल ये कहता है कि अगर हाइड्रोजन जाना है, अगर हाइड्रोजन जाना है तो हाइड्रोजन उस कार्बन से जाएगा जिस पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, अगर हाइड्रोजन जाना है तो हाइड्रोजन उस कार्बन से जाएगा जिस पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, अब हमारे इस कार्बन पे हैं दो हाइड्रोजन, इस कार्बन पे हैं तीन हाइड्रोजन, तो सिडजेफ अंकल ने क्या कहा, सिडजेफ अंकल ने कहा जिस पे लेस हाइड्रोजन यहां है, सो वी कैन अंडरस्टैंड यहां से हाइड्रोजन जाएगा, यहां से OH जाएगा और इस तरह से H2O बाहर जाएगा, और जहां से बॉन्ड टूटते हैं वहीं पर बॉन्ड बनते हैं, और बिल्कुल सही जवाब सभी बच्चों ने दिया है, ब्यूट टू इन यहां पर बनेगा, ब्यूट टू इन आपका प्रोडक्ट यहां पर फॉर्म होगा।
इस बात को अच्छे से समझ लेना जो मैंने आपसे कहा। अब देखो ऐसे ही, सपोज मैंने आपको ये रिएक्टेंट दिया CH3 C2H5। नाउ अब यहां पर जरा अपनी कॉपी पे करो और मेरे पास व्हाट्सएप पे इमेज भेजो, व्हाट्सएप पे इमेज भेजो। मुकुल सिर्फ देखो एक KOH है ना मुकुल, तो एक हाइड्रोजन जाएगा। मैंने दो हाइड्रोजन पे किया ना, इसका मतलब एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। अगर एक KOH है तो एक हाइड्रोजन, दो KOH होंगे तो दो हाइड्रोजन, ठीक है ना। इस बात को अंडरस्टैंड करना है। अब इस रिएक्शन का प्रोडक्ट अगर नाम बता सकते हो तो यहां चैट में बता दो, नहीं तो कॉपी पे लिखो, व्हाट्सएप पे फोटो खींचो और मेरे पास जल्दी से सेंड करो। मैं व्हाट्सएप पे आपका जवाब देख लूंगा कि किसका क्या जवाब है। ओके लेट्स सी, ये मेरे पास जवाब, अच्छा प्रांजल ने मेरे को आंसर भेजा था। प्रांजल आपका जवाब बाइफेनाइल वाला बेटा बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। ओके जल्दी से बनाओ, देखो मैं इंतजार कर रहा हूँ प्रांजल और मनस्वी का जवाब, नम्य का जवाब भी आ गया, मुझे देखना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है मनस्वी, और प्रांजल का जवाब भी बहुत बढ़िया, प्रांजल करेक्ट, नम्या सही जवाब है, नम्या वेरी गुड, सही आंसर। कौशल ने नाम बताया है, ओके कौशल ने क्या नाम बताया है, ठीक है कौशल, दिस इज करेक्ट, बिल्कुल सही। देखो ऑर्गेनिक धीरे धीरे सीखी जाती है। मैं ये जरूर कहूंगा कि आप बच्चे, जो बच्चे पिछले हफ्ते नहीं थे, तो लाइव क्लास के वीडियो को जरूर देख लो, क्योंकि मैंने यहां बहुत धीरे धीरे बहुत आराम से आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट रिएक्शन करवाई है। प्रांजल नाम चेक बेटा दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है ना। हार्दिक नाम ठीक है, प्रांजल नॉमनक्लेचर में प्रॉब्लम है, लेकिन आपने जो स्ट्रक्चर भेजा है वो जो स्ट्रक्चर है वो बेटा बिल्कुल ठीक है, बस नेमिंग में प्रॉब्लम है, उसको ठीक कर लेना। रीवा का जवाब बिल्कुल ठीक है, रीवा करेक्ट बच्चे, सही। तेजस नाम बिल्कुल ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो अब मैं बताऊं जो बच्चे कर रहे हैं ना, अब देखो यहां सबसे पहले C2H5 एक से ज्यादा कार्बन है इकट्ठे लिखे हुए हैं, कंडेंस न प्रांजल, अब नाम ठीक है। ये C2H5 को पहले ओपन करो, C2H5 का मतलब होता है CH2CH3, ये C2H5 का मतलब। ये बात मैं नॉमन क्लेचर में भी कहा करता था कि जो भी इस तरह से कंडेंस दिया जाए उसको पहले ओपन करना है। अब जरा स्प्लिटिंग समझना कि यहां से के गया, यहां से हैलोजन KBR, तो एरो के नीचे लिख देता हूं KBR गया। अब साथ वाले से हाइड्रोजन, साथ वाले कौन, इमीडिएट नेक्स्ट, ये भी नेबर है, ये भी नेबर है, ये भी नेबर है। तीन तीन कार्बन एटम यहां पर साथ साथ वाले हैं, तीन तीन कार्बन एटम यहां पर साथ हैं, जरा इसको ध्यान से देखना। अब आगे देखो न प्रभु बेटा ठीक जवाब है ये। अब यहां पर देखो सिडजैफ ने क्या कहा, सिडजैफ ने ये कहा कि उस नेबरिंग से हाइड्रोजन बाहर जाएगा जिसपे कम हाइड्रोजन है। अगर हम इसको देखें यहां पर तीन हाइड्रोजन है, यहां तीन है और यहां दो है, तो जिसपे कम हाइड्रोजन है, सो वी कैन से यहां से एक हाइड्रोजन और यहां से OH H2O बाहर जाएगा, और फिर जहां से बॉन्ड टूटते हैं वहां पर बॉन्ड बनते हैं, पाई बॉन्ड बनेगा वैलेंसी पूरी करने के लिए, तो 2-methyl-but-2-ene ये हमारा प्रोडक्ट यहां बनेगा, 2-methyl-but-2-ene, ये ध्यान रखना। तो सिडजैफ रूल एलिमिनेशन रिएक्शन में, एलिमिनेशन रिएक्शन कौन सी होती है, जिनमें पाई बॉन्ड बनता है या रिंग बनता है उन्हें एलिमिनेशन कहते हैं, क्योंकि यहां पर पाई बॉन्ड बन रहा है तो इसे हम एलिमिनेशन रिएक्शन कहेंगे। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में सिडजैफ रूल फॉलो होता है, तो सिडजैफ रूल को आपने इस तरह से फॉलो करना है। दूसरा मेथड है, इसे हम बाय फॉलोइंग हॉफमैन्स रूल, हॉफमैन्स रूल के हिसाब से। अब हॉफमैन्स रूल कहां फॉलो होगा, हॉफमैन्स रूल बहुत सिलेक्टिव है, हर जगह नहीं होता, ये सिर्फ वहां होगा
जहां रिएक्शन में आई नेगेटिव हो, या टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। अब टर्शरी ब्यूटॉक्साइड पता है क्या स्ट्रक्चर है? ये स्ट्रक्चर है टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। अगर ये चीजें आपको दी गई हैं तब तो हॉफमैन्स रूल होगा, वरना नहीं होगा। ये आई नेगेटिव और टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। अब हॉफमैन्स रूल क्या कहता है? हॉफमैन्स रूल बिल्कुल सिट्ज़ेफ का उल्टा रूल है, बिल्कुल उलट। जैसे देखो, आपको ये दिया गया, क्योंकि हॉफमैन का ना मैकेनिज्म वगैरह सिलेबस में नहीं है, तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये जैसे मैं बता रहा हूं वैसे स्प्लिटिंग से कर लो, दोनों चीजें पॉसिबल हैं। अब हॉफमैन्स में क्या होगा, देखो सिट्ज़ेफ यानी पिछली रिएक्शन में क्या हुआ था, डीहाइड्रोहैलोजनेशन, हाइड्रोजन और हैलोजन बाहर गया था, हाइड्रोजन और हैलोजन, यहां भी यही होगा, एक हैलोजन बाहर जाएगा और साथ वाले से हाइड्रोजन बाहर जाएगा, एक हैलोजन बाहर जाएगा साथ वाले से हाइड्रोजन। प्रभु जवाब ठीक है आपका, हैलोजन जाएगा और हाइड्रोजन, लेकिन सिट्ज़ेफ के उल्टा। सिट्ज़ेफ ने कहा था कि हाइड्रोजन वहां से जाएगा जहां पे कम हाइड्रोजन है, लेकिन हॉफमैन कहता है कि भाई हाइड्रोजन वहां से जाएगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन है, उस पड़ोसी से जाएगा जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन है, यानी यहां से हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन गया, एक हैलोजन गया, और वैलेंसी पूरी करने के लिए पाई बॉन्ड आ गया, और इस तरह से ब्यूट वन ईन ये प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हुआ, इसे ब्यूट वन ईन कहा जाएगा। तो इस तरीके से आपने हॉफमैन्स रूल, ध्यान रखना, सिर्फ आई नेगेटिव और टर्शरी ब्यूटॉक्साइड की प्रेजेंस में, अदरवाइज ये रूल और कहीं फॉलो नहीं होगा, सिर्फ इनकी प्रेजेंस में ही होगा, इस बात को ध्यान रखना। अब जरा एक रिएक्शन जल्दी से मुझे बताओ, देखते हैं कौन बच्चा जवाब देगा। लेट, मेरे पास ये कंपाउंड है, एक बार मैं कहता हूं KOH एल्कोहलिक, और एक बार मैं कहता हूं टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। जल्दी से ए और बी प्रोडक्ट, चाहे व्हाट्सएप, आई थिंक व्हाट्सएप पे ही भेजा जाएगा ये, इसका नाम अगर बता पाओगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको बना के देखो जल्दी से, क्योंकि सीखेंगे तभी जब हम उन प्रॉब्लम्स को करें जो एग्जाम में आते हैं। अगर मैं सिंपल सिंपल प्रॉब्लम लेके बैठा रहूं जो एग्जाम के काम की नहीं, तो फायदा क्या होगा, कुछ नहीं होगा ना। तो जरा उसी रूल को समझते हुए, सिट्ज़ेफ में हाइड्रोजन वहां से बाहर जाएगा जहां लेस हाइड्रोजन है। प्रभु टॉलीन नहीं बेटा, टॉलीन एरोमेटिक कंपाउंड है, टॉलीन नहीं बनेगा, ध्यान से करो, दोबारा से कॉपी पे लिख के करो, तब आप इसको सीख पाओगे, लिख के करो, अच्छे से करो, होगा। हाँ, मैं मोबाइल ऑन करो। ओके, मनस्वी का जवाब आया है, अच्छा मनस्वी ने पहले वाला भेजा, मनस्वी ये भी ठीक है आपका जवाब, वी कैन अंडरस्टैंड, जो आपने ये बना के भेजा है ना बाइफिनाइल वाला, ठीक है। तेजस बेटा एल्कीन बनेगा, देखो अब आपने साइक्लोहेक्सेन लिखा है ना, ये गड़बड़ हो जाएगा। हार्दिक बेंजीन तो मैंने दिया ही नहीं है, आप क्यों बना रहे हो बेंजीन, बेंजीन तो मैंने दिया ही नहीं है, बेंजीन तो है ही नहीं, बेंजीन के अंदर तो एक सुदर्शन चक्र होता है, वो गोल गोल रिंग होता है, वो तो है ही नहीं इसमें, दिस इज नॉट अ बेंजीन। मनस्वी के दोनों जवाब बिल्कुल ठीक है, मनस्वी बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बेटा, चलो जल्दी से करो। क्या जवाब दिया है हार्दिक, ये ए का जवाब है या बी का, जो आपने नाम लिख के दिया है ना, वन मिथाइल डीन साइक्लोहेक्सेन, ए का है या बी का? हाँ ठीक है, बी का करेक्ट है, बी। ओके मनस्वी बेटा, कौशल ने, हाँ ठीक है कौशल, आपका ए का जवाब बिल्कुल ठीक है। प्रभु पूरा नाम बताओ ना इसमें,
तेजस विडा विनाइल में दो कार्बन होते हैं, यहां तो साइड चेन में एक ही कार्बन है, दो कार्बन तो है ही नहीं, तो विनाइल तो होगा ही नहीं, दिस इज नॉट अ विनाइल ग्रुप। अच्छा प्रांजल का जवाब आया, लेट मी सी, प्रांजल आंसर करेक्ट है आपका, करेक्ट जवाब। कौशल जवाब ठीक है, हार्दिक ने लिखा ठीक जवाब है, साइक्लोहेक्स वनीन बोल दो ना बेटा, हार्दिक टू ही नहीं वनीन ही हो जाएगा ना, वो भी ठीक है। हाँ अब देखो इस कंपाउंड में कई बार बच्चों से गलती क्यों होती है, क्योंकि वो कई बार बॉन्ड लाइन नोटेशन को अच्छे से नहीं कर पाते, उस वजह से कई बार गलती होती है। तो हमारा ये कंपाउंड अगर मैं बॉन्ड लाइन नोटेशन के अलावा लिख दूं, हटा के लिख दूं, तो ये कंपाउंड है हमारे पास, दिस इज द कंपाउंड। ओके नम्या ठीक है बेटा, हाँ नम्या दोनों जवाब ठीक है। तो देखो ये है, अगर आप एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करते हो तो रिएजेंट का फंक्शन याद रखो, K गया Br गया, यही सिखाया था, KBr बाहर जाएगा, और साथ वाले से अब ये भी साथ वाला, ये भी साथ वाला, ये भी साथ वाला, जिस साथ वाले पे कम हाइड्रोजन है तो एक ऊपर वाले CH2 पे और एक नीचे वाले CH2 पे, दोनों पे कम हाइड्रोजन है, तो किसी से भी हाइड्रोजन, लेट यहां से हाइड्रोजन और यहां से OH, वाटर बाहर जाएगा और आपका एक प्रोडक्ट ये बनेगा, 1-methylcyclohexene, ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन का प्रोडक्ट 1-methylcyclohexene इसको कहा जाएगा। और दूसरी रिएक्शन में टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, अब टर्शरी ब्यूटॉक्साइड को देखते ही समझ जाओ कि भाई टर्शरी ब्यूटॉक्साइड है, तो इसका मतलब ये है कि यहां पर हॉफमेन्सो जो ये कहता है कि ब्रोमीन जाएगा और साथ वाले से हाइड्रोजन, और उस साथ वाले पे जिस पे ज्यादा हाइड्रोजन है, यानी यहां से हाइड्रोजन, तो H और Br बाहर जाएगा, और इस तरह से ये हम कंपाउंड बनाएंगे, मिथाइलिडीन साइक्लोहेक्सेन। 12th क्लास में आप कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट सीखेंगे, जहां पर इसमें थोड़ा सा और एडवांसमेंट जाता है, 11th में रीअरेंजमेंट हमें जानने की इतनी जरूरत नहीं है, 12th क्लास में उसको जनरली सीखा जाता है। तो एल्कीन बनाने के ये मेथड हमने यहां पर सीखा। अगली रिएक्शन है जिसे डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहा जाता है। अब डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी आप फटाफट सीख जाओगे, जल्दी से सीख जाओगे। देखो कैसे करना है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या हुआ, रिमूवल ऑफ वॉटर, रिमूवल ऑफ वॉटर। ना प्रभु इस कंपाउंड का नाम है बेटा 1-methylidene cyclohexene, 1-methylidene cyclohexene, ये आप यहां पे बोल सकते हैं। आदित्य इतने का ही चाहिए ना स्क्रीनशॉट बेटा, देख लो। ओके चलो आगे बढ़े, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब कौन कौन से रिएजेंट डिहाइड्रेशन करवाएंगे जरा जान लो, कंसंट्रेटेड H2SO4, नंबर टू Al2O3, नंबर थ्री P2O5, नंबर फोर P4O10, और कभी कभी H3PO4 भी लिया जाता है। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करवाना है तो कैसे करोगे, देखो ये है आपके पास कोई एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, और यहां लिख दिया ऊपर में से कोई भी रिएजेंट, कंसंट्रेटेड H2SO4, Al2O3, P2O5, कुछ भी लिख दिया। अब इनका काम है वाटर बाहर निकालना, और वाटर देखो बाहर कैसे निकलेगा, सिट्ज़ेफ रूल के अकॉर्डिंगली, सिट्ज़ेफ रूल, यानी यहां से OH बाहर जाएगा, यहां से OH और साथ वाले से हाइड्रोजन, और उस साथ वाले से जिसपे कम हाइड्रोजन है, क्योंकि यहां तो साथ वाला एक ही है, तो यहां से हाइड्रोजन, यहां से OH, H2O बाहर जाएगा, वैलेंसी पूरी करने के लिए पाई बॉन्ड आएगा,
और इस तरह से एल्कीन आपके पास फॉर्म होगा. सो रिमूवल ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज द डिहाइड्रेशन. ये हमने यहां पर जान लिया, इसको समझ लिया. अब देखो, अगर आपके पास ये कंपाउंड है और यहां पर अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन दे दिया Al2O3, तो प्रोडक्ट अब आप बनाओ, जल्दी बनाओ. या आपकी कॉल है, आपको प्रोडक्ट बनाना है, फटाफट बना दो, देखते हैं क्या बनता है. Al2O3 काम वही है जो मैंने ऊपर लिखवाया, एल्कोहल के ऊपर यही काम है. अब वो प्रोडक्ट सही बनता है नहीं बनता, वो एक इश्यू है, वो देखना है कि आप उसको किस हद तक सही बना पाए. प्रभु जवाब ठीक है आपका. प्रांजल नॉमनक्लेचर में बेटा इसमें जरा नंबरिंग चेक करो, नंबरिंग किस तरह से होगी जरा ध्यान से करो. हाइड्रोजन उस कार्बन से जाएगा जिसपे लेस हाइड्रोजन है, उस नेबरिंग कार्बन से बाहर जाएगा, उसको ध्यान रखो जिसपे लेस हाइड्रोजन. कौशल ठीक जवाब है, करेक्ट. रिएक्शन सीखना कोई मुश्किल काम नहीं, थोड़ा सा ध्यान लगाओ, डेफिनेटली कर पाओगे, आसानी से होगा. तो Al2O3 क्या करेगा, मनस्वी ठीक है, एक तो OH बाहर निकालेगा, OH बाहर, और साथ वाले से हाइड्रोजन जिसपे कम है. अब इसके साथ वाले ये भी है और ये भी है, मैंने कहा ना सिडजैफ रूप. तेजस ठीक जवाब है. एक राइट हैंड वाले पे 3 हाइड्रोजन है, लेफ्ट हैंड वाले पे 1. भावना ठीक जवाब है. तो यहां पे हाइड्रोजन इधर से बाहर जाएगा, और जब हाइड्रोजन बाहर जाएगा तो वैलेंसी पूरी करने के लिए पाई बॉन्ड बनेगा, 2-methyl-butuene. 2-methyl-butuene, ये जवाब हमारा यहां बन जाएगा, ये आंसर रहेगा हमारे पास. नाउ कन्वर्ट, जल्दी से मुझको ये लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दो. कन्वर्ट 2-bromo-butane टू ब्यूट वन इन. नंबर 2, 2-bromo-butane टू ब्यूट टू इन. एंड नंबर 3, 2-bromo-butane टू ब्यूटेन. जल्दी से मुझे ये 3 रिएक्शन फटाफट, 3 मिनट बचे हैं हमारे पास, 3 मिनट में इसको बनाओ और इसकी इमेज लो, व्हाट्सएप पे भेजो, देखो क्या जवाब आता है. एक बार वेटिंग रूम में ना क्लास 12th के बच्चे आ गए, एक बार जरा मैं उनको मैसेज कर दूं, जब तक आप मेरे पास ये रिएक्शन भेजो. जल्दी से तीनों रिएक्शन आज जो आपने पढ़ा है ना, 2 रिएक्शन तो उस बेसिस पे है और एक रिएक्शन फर्स्ट लेक्चर के बेसिस पे कह सकते हो, सेकेंड लेक्चर भी कह सकते हो, यानी हर बच्चे ने इनके बारे में पढ़ा है. रिएक्टेंट का स्ट्रक्चर बनाओ, प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर बनाओ, रिएजेंट लिखो, क्या रिएजेंट होगा. तेजस जवाब बिल्कुल ठीक है, और अगर रिएक्शन को बेटा लिख के भी देख लेना, क्योंकि उससे ज्यादा हमें और कॉन्फिडेंस मिलता है. प्रभु आपकी बात बिल्कुल ठीक है बेटा, हमें ना यहाँ पे प्रभु एंड तेजस, हमें रूल की बजाय ना रिएजेंट लिखने होते हैं कि किसकी मदद से होगा. कौशल हॉफमैन्स में आई नेगेटिव और टर्शरी ब्यूटोक्साइड, ये 2 इस्तेमाल होते हैं. अब सोडियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड करो, पोटेशियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड करो, दैट इज वो एक ही बात है. आप सिंपल टर्शरी ब्यूटोक्साइड भी लिख सकते हो. और प्रभु मैंने कहा ना रिएजेंट लिखना जरूरी है, बिना उसके बात नहीं बनेगी. चलो बच्चों टाइम हो चुका है, जल्दी से फटाफट बता दो. रीवा नहीं बेटा, फर्स्ट इससे नहीं होगी, उल्टा कर दी. तेजस नौ बच्चे, ये उल्टा कर दिया, देखो आपने, ध्यान से करो.
इनको ऑपोजिट कर दो। अब से चलो इसको आप ना ट्राई कर देना, मैं रिएजेंट बताता हूं। पहली रिएक्शन में आई नेगेटिव या टर्शियरी ब्यूटोक्साइड का इस्तेमाल करना, तेजस ठीक है ना बेटा, हाँ इसको लिख के। दूसरी रिएक्शन में KOH एल्कोहलिक का यूज करना, और तीसरी रिएक्शन में टिन प्लस HCl का इस्तेमाल करना। तीनों रिएजेंट मैंने बता दिए। देखो अच्छा होगा आप इनकी इमेज लो, मेरे पास इमेज सेंड करो, ताकि मैं एक बार अच्छे से चेक कर लूं आपकी मिस्टेक हुई है या नहीं हुई। ठीक है बच्चों, चलो आज इतना ही करते हैं और बाकी मिलेंगे कल, ठीक है ना। चलिए मीटिंग लीव कर दीजिए फटाफट, बाद में मिलते हैं। ओके बच्चों, गुड नाइट। ठीक है चलो फटाफट मीटिंग लीव कर दो। ओके प्रभु बेटा, हाँ शुक्रन प्रभु, ठीक बात है।